ट्रेलर मास्टर सुजीत बोल रहे हैं जी। मैं बोल रही थी कि क्या आप अभी मेरे घर पे आ सकते हैं ब्लाउज माप लेने के लिए। देखिए मैडम, अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम आए हुए हैं। प्लीज आप आ जाइए ना, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट है, 4-5 ब्लाउज का माप देना है आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, आप रिक्वेस्ट इतना कर रहे हैं तो मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए टेलर मास्टर जी, क्योंकि मुझे थोड़ा पार्टी वार्टी में भी जाना है, उस टाइप का मुझे ब्लाउज व्लाउज सिलाने का है, और मैं थोड़ा अच्छी दिखूंगी, मेरे पति अच्छे, उनको अच्छा लगता है अच्छे ब्लाउज में पहनती हूँ। तो प्लीज आप आ जाइए ना, कितना देर में आप आ जाएंगे मेरे घर पे, कितना टाइम लगेगा आपको आने में? आप मैडम आधे से एक घंटे में मैं आपके पास आ जाऊंगा। इतना टाइम हो गया, अरे मास्टर जी का पता नहीं। उफ, मास्टर जी आएंगे ना तो मैं अब अच्छे से बनवाऊंगी, अच्छा सा ब्लाउज सिलाऊंगी और खूब अच्छा दिखूंगी, मेरे पति खूब खुश हो जाएंगे। लगता है मास्टर जी आ गए। आ गए मास्टर जी। जी मैडम। आइए आइए आइए, अंदर आइए, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं हम, आप अभी आए हैं। आपने इतना बेसब्री से बुलाया तो मैं आ गया। अच्छा अच्छा, आ गए तो आइए आइए, जल्दी आइए, अंदर आइए, माप ले लीजिए। हाँ, क्या सिलवाना है? ये ब्लाउज सिलवाना है आपको, 5-6 ब्लाउज है वो देना है आपको सीने के लिए। मेरा सारा ब्लाउज जो है ना मास्टर जी, सब छोटा हो गया, मैं हल्दी हो गई ना थोड़ा सा, मेरा बॉडी बढ़ गया इसके लिए थोड़ा सा। वो तो करते ही है, वो तो मेरा रूटीन है मास्टर जी, तभी तो मेरा बॉडी बड़ा है। आप अपना माप ले लीजिए। अच्छा, आपके पति देव जी नहीं दिख रहे हैं? वो काम पे गए हैं। काम पे गए? मैडम जी। हाँ? वैसे कौन सा डिजाइन का? अरे वो जो अनारकली में आता है ना करीना मॉडल। हाँ? वो ऐसा वाला डिजाइन रहता है, पीछे से एकदम, आप पीछे घूमिए ना, ऐसे एकदम कटा हुआ उस टाइप का। आराम आराम से आइए मैडम। देखिए, क्या कर रहे मास्टर जी आप? अरे कुछ नहीं, जो काम करने आए करके जाइए ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ मैडम जी, एक बार अच्छे से मुझे माप ले लेने दो कि बाद में आपके फिटिंग का कोई शिकायत नहीं आए, नहीं तो बाद में फोन करके मुझे परेशान करोगी, मेरे पास और भी कस्टमर है ना। क्या देख रही हैं मैडम जी, ज्यादा सोचिए मत, इस शुभ काम को शुरू किया जाए। आप तो बहुत जल्दी मान गई, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ा। आज नहीं, कल। मगर क्यों? आज मेरा पीरियड है। पीरियड? अरे मैडम जी, लेकिन कल पक्का ना? कल पक्का, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कल मेरा पति मेरे घर पे नहीं रहेगा। अच्छा, कल भी नहीं रहेगा? कल भी नहीं रहेगा। ठीक है मैडम जी, तो आप आ जाना। ओके मैडम जी, तब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कम से कम गाल पे एक चुम्मा तो दे सकती हैं? नहीं। वो भी नहीं? तो आप ले सकती हैं? नहीं। ठीक है मैडम जी, कल मैं फिर आऊँगा पूरे जोश के साथ। ठीक है, चलता हूँ। बाय मैडम जी। बाय। भैया आप अंदर कैसे आ गए? किससे पूछ के अंदर आए? अरे कल ही बनाई थी सैया और आज बना दी मुझे भैया। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, जाओ भाभी यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाए भाभी जी, कल आपने वादा किया था। वादा? किस बात का वादा? अरे आपने ब्लाउज सिलाने के लिए बुलाया था ना, मैं माप भी लिया था आपका गोल गोल, और आपने बोला था कि कल आओ फिर दूंगी। देखिए
आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला था। हे भगवान, लग रहा है भाभी जी आप तो शर्मा रही हैं। आप यहाँ से निकलिए कि थप्पड़ लगाऊं मैं। अरे बाप रे बाप, थप्पड़ मारिएगा। अब आ गए हैं तो लेके ही जाएंगे ना। अरे भाभी जी थप्पड़ ऊपर छोड़ो और ये झाड़ू ना आपके हाथ में शोभा नहीं देता, आप मेरे गोद में शोभा देती हो। और जो बोल रहा हूँ ना चुपचाप करो। तेरी ये जरूरत कि तू शरीफ घर में घुस के ये बदतमीजी करेगा? बदतमीजी? और मैं, ये शरीफ औरत है तुम्हारी, ये कल ही मुझे ऑफर दी थी, कल ही मुझे सब कुछ करने के लिए रेडी हो तो अच्छा हुआ, मैं मेरा टाइम नहीं था मैं चला गया। और सुनो, आज ये फिर बुलाई थी वही करने के लिए, अभी ये नौटंकी बन रही है तुम्हारे सामने, सती सावित्री बन रही है, ये मुझे खुल्लम खुल्ला ऑफर दी थी, पूछो इससे। बकवास बंद करो, ठीक है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे भाई साहब किस शराफत की बात कर रहे हो, अगर कोई औरत ना चाहे तो दुनिया का कोई भी मर्द हो उसे टच तक नहीं कर सकता, पूछो अपनी बीवी से। चुप, एक शब्द भी बोला ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें, पूछो इससे। शांति बताओ सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं बताती हूँ। हाँ मैंने बोला था कल इसको, क्योंकि मैं कल मजबूर थी, अब एक मजबूर औरत क्या कर सकती है, इसलिए मैंने एक प्लान किया कि अपनी बातों में मैंने इसे उलझाया ताकि इसे लगे कि मैं इसे बहला फुसला नहीं रही हूँ, और ऐसे करके मैंने इसे कल यहाँ से भेजा, तब मेरी जान बची और मेरी इज्जत। जब आप रात घर पे आए तब हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया, कल इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। तुम जैसे मर्दों की ना बस यही कमजोरी होती है कि हर औरत को एक नजरिए से देखते हो। हम तो रहस बोल क्या दिए, तुमने तो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया, किसी भी पराई औरत पे बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पत्नी का, जो मुझे अपने इस गलती का एहसास दिलाया, जीवन में मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई। आप मुझे प्लीज माफ कर देना भाई साहब, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। बेटा इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा तुम जैसे मर्दों की वजह से ना समाज में औरतें सेफ नहीं है। अगर हम जैसे मर्दों की सोच एकदम साफ होगी तो ही इस समाज में बहन बेटियाँ सेफ रहेगी। बेटा इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर आसपास में ऐसी कोई हरकत नजर आई या सुनाई दी तो तुझे सीधा जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। भाई साहब इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाभी जी, नमस्ते, अब मैं चलता हूँ, मुझे जीवन की सीख मिल गई है।